अगर आपसे कोई बिरयानी की प्लेट मांगे और आप उसको देग पकड़ा दें बिरयानी की, कैसा है? आपको पता होना चाहिए कब बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ पे रुकना है। आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करने का सोच रहे हैं या ऑनलाइन अपनी सर्विस सेल करने का सोच रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ऑन डेली बेसिस पे आपने क्लाइंट से बात करनी होती है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनसे हम बात करते हैं, वो कह रहे होते हैं कि लोग हमारी सुनते नहीं हैं, अपनी कहानी सुनाते जाते हैं सुनाते जाते हैं। अगर आप बोलते रहेंगे और क्लाइंट की नहीं सुनेंगे फिर भी गलत है, लेकिन अगर क्लाइंट बोलता रहेगा आप उसको आंसर नहीं देंगे तो फिर वो सोचेगा भाई ये बंदा तो अपना पॉइंट भी नहीं रख सकता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रुकना कहाँ पे है। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि क्लाइंट कह क्या रहा है और आंसर क्या देना है। अब मेरे साथ एक क्लाइंट बात करता है, मैं हमेशा उसको सुनता हूँ, पहले बहुत खामोशी से सुन रहा होता हूँ, उसके लफ्ज़ के ऊपर मेरा फोकस होता है। जैसे ही उसका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मैंने उसको वो आंसर दे देना है। और आंसर ऐसा नहीं कि उसने मुझसे बिरयानी की प्लेट मांगी मैं उसको देख दे दूंगा, नहीं, टू द पॉइंट मैंने बात कर दी है, जो पूछेगा वही आंसर मिलना है। ऐसा नहीं कि आप कहानी सुनाते जाओ, मैं ये हूं वो हूं, ऐसा कर दिया मैंने वैसा कर दिया, मैंने उसके लिए काम किया उसके लिए काम किया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल, आपने उसकी बात सुननी है फिर आपने उसका आंसर देना है, उसके अलावा आपने कोई बात नहीं करनी। सिंपल, आपको पता हो आपने कब बोलना है और कितना बोलना है और उसके बाद आपने रुकना कब है। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। बहुत सारे क्लाइंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि नहीं बात करनी आती किसी वर्चुअल असिस्टेंट को, बात नहीं करनी आती। हम अगर पोस्ट कहीं अपलोड कर दें तो हजारों के हिसाब से तो मैसेज आते हैं, जब हम उनसे बात कर लें तो फिर उनकी कोशिश होती है कि भाई हमारे पास आप आ जाओ, लेकिन जो हम पूछ रहे होते हैं उससे ऑपोजिट वो हमें आंसर दे रहे होते हैं। तो पैनिक क्रिएट ना किया करो। एक क्लाइंट जब आपको मैसेज करता है ना, तो आप उसको दिखाओ यार मेरा भी एक स्टैंडर्ड है, आप वहां पे लेट जाते हो, आप वहां पे लेट जाते हो, उसको बताएं मेरा एक स्टैंडर्ड है, जो वो पूछेगा वो आपने आंसर देना है, उसके अलावा आपने कोई बात नहीं करनी, जितने सवाल पूछता है उतने आपके आंसर हो, बात खत्म। ऐसा नहीं कि बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, उसको कोई समझ ना आए। तो काइंडली आपको ये सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये सीख लेते हो आप, तो आप मरते नहीं है। आप जिस भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे क्लाइंट्स बात कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं से आपको मैसेज आ रहा होता है, डेली बेसिस पे या नहीं तो वीकली बेसिस पे कोई ना कोई तो रेकमेंड करता होगा ना कि मैंने इस बंदे से काम करवाया था, आप इससे बात कर लो। जैसे ही आपकी फर्स्ट कॉल उसके साथ होती है तो आपने प्रोफेशनली बात करनी है, लेटना नहीं है उसके सामने, टू द पॉइंट आप बात करें। वो काम करवाता है या नहीं करवाता वो एक अलग चीज है, बट आप प्रोफेशनली उससे बात तो करें, ठीक है? तो काइंडली आप इन चीजों के ऊपर फोकस करें। स्किल तो आप सीखें जो भी आप सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ एक और ऐड करें स्किल, जो कि कम्युनिकेशन स्किल है, ताकि आपको सामने वाले से बात करना आए। अगर तो बात करना आ गई तो आप नहीं मरते।